मेरी यहाँ पर बहुत सारी मेमोरीज हैं। तो भाई अभी एक बहुत ही जबरदस्त सरप्राइज हमारी बहन के लिए। अभी हम दीदी के गाने पे डांस करने वाले हैं। मेरे को स्पेशल डिमांड की गई है। अब आप मुझे कमेंट से बताना कौन से मंथ में ज्यादा क्यूट लग रहा है। लखनीत, हेलो गाइस, वेलकम टू लखनीत व्लॉग्स। व्लॉग देखते लाइक कर दो, क्योंकि जहाँ आप समझ रहे हो हम एग्जैक्टली वहीं पर है। हमें हमारे प्यारे छोटे भतीजे के बर्थडे में, तो आओ आज आपको टूर कराते हैं यहाँ का। तो मैं नहा लिया हूँ और अब कुछ ब्रेकफास्ट करके यहाँ से हम निकलेंगे, बिकॉज खाली पेट नहीं जाना। वॉमिट हो सकती है, भरे पेट भी हो सकती है, बट मुझे खाना तो क्या क्या बहाने मार रहा हूँ यार, ऐसा कुछ नहीं है, खा के चलना है। सुबह सुबह कुछ और था नहीं, जल्दी जल्दी चाय और ब्रेड बनवा लिया मैंने अपने लिए। भाई पुनीत एक बात बता, मैं इस घर का मेंबर नहीं हूँ क्या? मेरे सारे जो अच्छे वाले जूते हैं वो सब उठवा के नहीं तूने उधर रखवा दिए दूसरे घर में? भैया भाभी ने नहीं रखा यार, ये सफाई जो करता है यहाँ तो डिसीजन सुधीर लेता है, मैं भूल गया था। भाई मेरे एक काम कर, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मेरे को मेरे अच्छे वाले शूज़ निकालना, तू जाके ना मेरे को वीडियो कॉल कर लियो, बता दूँ कौन से लाने हैं, ठीक है? जाओ सुधीर भैया। नहीं तू जाने से पहले से प्लानिंग क्यों बनाते हैं हम लोग? हाँ प्लानिंग क्या मतलब कि किचन में ये देखना है? तुम बनाते हो? मतलब तू बनाती है? अरे यार तू बना, पुनीत को, सैंडी भाई को, सबको बता दे घर में क्या क्या करना है। ये काम बहुत होता है ना घर में। अच्छा आजकल वैसे तो सुबह सुबह भी पीने लगी, वैसे तो पीती नहीं थी। मुझे कॉफी और वो चाय बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन आजकल मैं कोल्ड कॉफी पी रही हूँ क्योंकि मेरी आंखें बहुत ज्यादा, पता नहीं क्या हो रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या तू बोलती है? नहीं भाई एक बड़ी बड़ी आंखों का क्या कनेक्शन है बताओ कॉफी से? मैं अपने गाँव में थी, मैं 7:30 बजे सोती थी, 4 बजे उठती थी। यहाँ पर मैं 9:30 बजे तक सोती हूँ, 4 बजे तब भी 4 बजे उठती हूँ, ठीक है? अच्छा तो नींद कम हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है अभी देखो हमारे बाबू को पता लग गया, बाबू थोड़ी सी उदास हो गई है, बट बाबू हम तो शाम में आ जाएंगे, शाम में आ जाएंगे हम तो, आज आपके लिए कुछ खाना कुछ चीजी लेके आएंगे। मुझे बात नहीं करनी आपसे। तो अब हम लोग निकल रहे हैं, दीदी घर पर ही है, अभी योगा कर रही है। योगा वो क्या करती है नए वाले घर पे, क्योंकि टेरेस बहुत बड़ी है, वहाँ जाके योगा करती है। तो जब तक वो आई तब तक हम निकल गए होंगे, वैसे उससे मिल तो हम लिए। एक तो किया जा रही है भैया, और दूसरी मर्सिडीज उसका बेड बनवा दो। बेड? हाँ उसमें कुछ सामान रह रहा था ना अनुज भैया, क्या है यार जल्दी उठें थोड़ा सा और रेस्ट कर लेंगे। जैसे नीतू कह रही थी ना अभी कि उसको आँखों में पेन हो रहा है, तो ठीक हो जाएगा। बेड बनाना काफ़ी सिंपल है, जो कि हम काफ़ी वीडियोस में आपको दिखा चुके हैं। आप भी ऐसे ट्रैवल कर सकते हो अपनी सीट्स फोल्ड करके, और हम तो इसमें ये वाला जो गद्दा है ना, ये जो गद्दा है ये हमेशा रखते हैं, कहीं भी मन करता है इसका सीधा बेड बना के आराम से आते हैं। फिर अमीर बनो अमीर। और मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी ऐसे किए कि भैया आपने इतनी महंगी कार ली है ये, बट आपने रिव्यूज़ शेयर नहीं करे, तो मैं रिव्यूज़ बहुत जल्दी शेयर करूँगा, क्योंकि नई गाड़ी में तो ना सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है कि भाई ये भी अच्छा वो भी अच्छा, फीचर्स पता होते हैं हमें, बट एक्चुअल यूज़ करने के बाद, क्योंकि 6 महीने से यूज़ कर रहे हैं इसको हम, करीब 15,000 किलोमीटर चल गई है, तो अब हमें सच में इसके ड्रॉबैक्स भी पता है, उसकी खूबियाँ भी पता है ना। तो अब हम रिव्यू बना रहे हो, अब हम रिव्यू दे सकते हैं इस गाड़ी का, मैं बता रहा हूँ ये गाड़ी सबसे बेस्ट भाई गाड़ी है सच में, मैं लाइफ की सबसे बेस्ट गाड़ी अभी तक। नहीं 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 मैं इसको वो कर रही थी कि यार किया, मेरे लिए तो किया बेस्ट है, मेरे लिए तो होंडा सिटी बेस्ट है, लेकिन इसके आने के बाद ना बैक का पेन ठीक हो गया, मुझे मेरी नींद, जैसे मैं नींद आती कभी कभी मैं सो जाती हूँ, और लंबे ट्रैवल पे ना हम डरते नहीं है ना, पता है कि सोते हुए जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कंफर्ट के मामले में भाई नो डाउट बहुत अच्छी है। और दूसरा एसयूवी है, तो कहीं भी ले जा सकते हैं इसको, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है, 4x4 इसमें मतलब ऑल व्हील ड्राइव आता है, कहीं भी ले जाओ, कीचड़ में ले जाओ, पहाड़ों पे ले जाओ। अच्छा, मेरी बात तो सुनो, इन्होंने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं ये सब बोलने के? किन्होंने? गाड़ी वालों ने। वो क्यों पैसे देंगे, मैं अपने लोगों के साथ भाई ट्रू फीलिंग अपनी शेयर करता रहता हूँ। तो यहाँ पर लग गया हमारा पूरा बिस्तर तैयार, हरिंदर भैया प्रो हो गया, हरिंदर भैया को एक बार बोलता हूँ 5 मिनट के अंदर कर देते हैं तैयार बिल्कुल। लेट्स गो गाइस, हम लोग लेट नहीं होना चाहते क्योंकि आज वापस भी आना है हमें। यस क्या होता, तो बड़ा ये कह रही थी बेड क्यों बनवा लिया, खुद सबसे पहले बैठी है, तुम्हारा वेट कर रही हूँ मैं। कैमरा रख दिया आगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, और हम रहते हैं कार में, मेरा नाम लखन है, क्या है वो प्रिया जो वीडियो बनाती है, भाई बहुत कमाल वीडियोस होती है, ट्रैवल वीडियो मतलब उनकी देख देख के मजा आ जाता है, मजा आ जाता है सीरियसली, प्रिया दी बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाती हैं। हाय गाइस वेलकम, मेरा नाम है प्रिया और मैं रहती हूँ वैन में। अच्छा उनसे हमारी बात हुई है, वो जब भी इंडिया आएंगे तो हम लोग उनसे जरूर मिलेंगे। हाँ। हमारी बात हुई है उनसे। ये देखो जोई की मम्मा कहाँ गई है, लोग पूछ रहे हैं इससे स्नैप पे, तो भाई आज मैं दोबारा से बुक पढ़ूंगा, अपने इस टाइम को यूटिलाइज करूंगा, मैं पढ़ूंगा दी मॉन्क सोल्डिस फरारी, ये वो पहली बुक है जो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी वहाँ से शुरू हुई थी। आप लोग अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार पढ़ना उसको, ना एक अलग विज़न खुल जाता है इंसान का। तू पढ़ेगी? कौन सी बुक? दी मॉन्क सोल्डिस फरारी। हाँ। सच्ची बता, मैंने पढ़ी भी है। मेरे तो फ़ोन गिर गए यार, इसका मतलब दिस इज़ नॉट अ गुड साइन, भगवान कह रहे सो जा पहले थोड़ी देर। Welcome guys to लखनीत व्लॉग। तो हम निकल गए हैं चंडीगढ़ के लिए। किस लिए जा रहे हैं भाई? हम जा रहे हैं भाई एक
बहुत बड़ा अच्छा खासा फंक्शन है, बस बिल्कुल सटा दी है हमसे, तो हम लोग निकल चुके हैं, राजा भैया, मैं और रोहित अपना। तो अब मिलेगा रास्ते में पेरी फेरी पे तुषार मिल जाएगा, तो वहाँ से उसे लेके चलेंगे। मेरी ब्लॉगिंग करने का तरीका देख लो, हेडफोन लगा के, और नीतू भाई और लखन की गाड़ी वहाँ पर है, नीतू और लखन भाई की वो जा रही है, तो हम चलते हैं चंडीगढ़ के लिए। रोहित भाई के 360 शॉट देखो भाई साहब, क्योंकि टायर पे लग गया ना कैमरा। रोहित भाई टायर कैमरा पे मत लगा देना, तुम एक्सपेरिमेंट तो कर रहे हो नए वाला। हाँ पक्का ये जा रही नीतू की गाड़ी, सो गए। अभी हमें जो है ना यहाँ पर एक शख्स मिलेगा 6 फुट का, ठीक है, क्या मिलेगा 6 फुट का शख्स, इंसान, ठीक है। हाँ तो आएगा सीधा बैठते ही, पता क्या कहेगा उसको ना, सीट बड़ी वो चाहिए बिल्कुल, जैसे कहता है ना पैर फैला के बैठना। क्या बोलेगा? हाँ क्या बोलेगा? भाई थोड़ी शर्ट पीछे कर लो। फिर मैं उसे बोलूंगा मेरे को भी लैपटॉप पे काम करना है, फिर क्या बोलेगा? भाई थोड़ा तो करूंगा मैं, कुछ लोग अशांति से कोई घर से लड़बड़ के जा रहा होगा तो उसको देखते हुए भी ये चलेगा, उसी में करवाना है भाई। पैर सही कर लो थोड़ा सा, भाई पैर सही तो है तुषार यार, अंदर यार तुम आगे बैठ जाओ, फिर पीछे कर लो सीट यार, पैर तो लगने दो यार, इतना छोटा तो रास्ता है ना, 1-2 घंटे का। देख यार देख ले ले यार, हम ये देख करीली पीछे यार, बैग रख पीछे यार, अब देख अब बैग भी रखे, अभी तूने सीट पीछे कर ली, तुषार ये आदत नहीं नहीं जाएगी, सुधारो यार प्लीज, अच्छा नहीं लगता। गाइस हम लोग बीच में एक ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे टॉयलेट आई है बहुत। हम नहीं, आप ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि आपको वॉशरूम जाना है। अच्छा अगर मैं ब्रेक ले रहा हूँ तो क्या तू वहाँ जाती जा रही है? तू भी तो रुकी है ना, है? सभी ले रहे हैं ना ब्रेक, मैंने बोला हम। पहले तो मुझसे आप करके बात करो। शट अप। गुड। अरे मेकअप करा हुआ है भी। हाँ मेकअप करा है ना, भी सुंदर है। नहीं फोटो में थी, देखने में और सुंदर है, इतनी क्यूट इतनी प्यारी। नहीं तो अपने को तो भूख ही नहीं है। मेरे को तो है, मेरे को प्याज का पराठा मुझे पसंद है तो मैंने वो खाया है। मुझे भूख नहीं है, मैं चाय पीकर आया हूं। मेरी यहाँ पर बहुत सारी मेमोरीज हैं। क्या? मैं अपनी बहन के साथ आती थी यहाँ पर, मैं और पूनम दीदी, हाँ सिर्फ पराठे खाने के लिए, बिकॉज यहाँ के पराठे बहुत फेमस थे उस टाइम पर। मुझे थोड़े से ओवररेटेड लगते हैं, मुझे पता है बहुत से लोग एग्री नहीं करेंगे इस बात से, मुझे ओवररेटेड लगते हैं। इसके आसपास जितने भी आगे भी हवेली वो भी सेम पराठे देते हैं, पर इसका बटर कुछ अलग ही टेस्ट होता है, मुझे बहुत पसंद था। तो मैं और मेरी बहन गर्मियों में आते थे, तपती हुई गर्मी में, हम लोग 5-6 बार आए यहाँ पैदल आते थे क्या? तपती हुई गर्मी में क्या बातें बोलती, तू गाड़ी में बैठ के आती होगी एसी चला के, गर्मी तो लगती थी ना एसी चला के भी। अरे वहाँ यहाँ पर हम पिक्चर्स क्लिक कराते थे ना बाहर, मैं अपनी पिक्चर शेयर करूंगी यहाँ पर साइड साइड में। तुषार ने एक बात बोली है, दिल्ली NCR वालों की नाइट आउट की जगह है ये। मानना है जो भी दिल्ली NCR के लोग हैं वो नाइट में यहाँ पर आते हैं पराठे खाने या फिर नाइट आउट करने, लेकिन मैं यहाँ पर कभी नाइट में नहीं आई क्योंकि मेरे घर में रूल था 8 बजे के बाद बाहर नहीं जाना, तो हम लोग दिन में आते थे। वैसे भी नाइट में कौन सा, हम लोग तो नहीं आ सकते, लेकिन दिन में आते थे खाने के लिए सिर्फ पराठे। तुम आने आ सकते हो? आने आ सकते हो? तुम खाने आ सकते हो कि दूर? नहीं तुम तो क्या कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें तो घर ही अच्छा लगता है। तो भाई हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है, पराठे वराठे। भाई सच कह रहा हूँ, अच्छे रोहित का मन आ गया भाई, ये कह रहा है दो और खाऊंगा अभी। रोहित भाई कभी यहाँ पे रात के टाइम आना, अलग मिलते माहौल ही अलग है भाई, ये तो कुछ भी नहीं है, भीड़ तो हर चीज का माहौल होता है। रोहित भाई क्या करा रखा है तुमने? क्या हुआ? एक गाड़ी पे गाड़ी सारी आ रखी है गाड़ियाँ भाई, ट्रैफिक हो गया ना, अभी चंडीगढ़ आ गए हम, यहाँ पर ट्रैफिक लगने लगा है। तो सर भाई जाइयो एक बार उतर के खुलवा दे यार सारा जाम। अरे वो इसलिए लगा है क्योंकि आज रोहित भाई आए ना यहाँ पे। रोहित नहीं आया, रोहित आज अपने न्यू कट के साथ आया। रोहित भाई वो कटिंग दिखा दो,
ये देखो ये रोहित की है 70,000 रुपए की कटिंग, उसमें 90% का डिस्काउंट लगा वो कटिंग है बहुत मुश्किल से थोड़ी था। तो 99 ये तो है पूरा जाम है भाई। हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़, लेकिन यहीं से अभी तक दिखा रहा है 15-20 मिनट वहाँ तक जाम ही है, वहाँ तक जाम है और 1.5 किलोमीटर ही रह गया बस, उतने में इतना टाइम। चलो बैठते हैं हम। तो के लिए पुलिस वालों ने यहाँ पे, लेकिन यूट्यूबर है हम, हमने बोला उन्हें वो कह रहे क्या है बैग वैग चेक करो, उन्हें लगा जैसे शायद लीकर वीकर आ जाता है लेकर, तो उन्हें लगा दारू वारू होगी यहाँ पे, तो पूछे क्या करते हो, हमने बोला यूट्यूबर है, तो जाओ 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 जाओ। इज्जत है, इज्जत है, है? अच्छा काम कर रहे हैं मतलब मार्केट में, ठीक है तुषार भाई ऐसे नाम बनाओ। गाइस हम लोग रुके हैं हवेली में क्योंकि लखन को लग गई है भूख, अभी से जाना था वॉशरूम, तो देखते हैं हम क्या करेंगे अब अंदर जाके। तुम्हें भूख लग गई है? अब लग गई है। कितनी रोटी खाओगे? 2 या 3। तो मैं तो 4 रोटी तो खा ही लेती हूं। हमने सही सोचा था ना, हमने पहले बता दिया लखन भैया को भूख लगी है, वहाँ नहीं खाया यार कुछ भी, पैर में लग गई यार। तो भाई अपना खाना आ गया, हमने थाली मंगा लिया, जल्दी से खा के निकलते हैं यहाँ से बस। सर खाना स्टार्ट कर पाए गाइस, मैं बता दूँ सुखदेव से अच्छा खाना मुझे यहाँ पर लगा है, और हवेली का खाना अच्छा होता है ना, खाए कि मैंने टेस्ट नहीं किया, किया ना मैंने टेस्ट, टेस्ट किया, बट मेरी आदत है जब भी मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो मैं अपने प्लेट को जरूर क्लीन करती हूँ ऐसे, उसके बाद खाती हूँ। खाना कैसा है तुषार? अच्छा। मैं सच बता रही हूँ मुझे भूख नहीं थी, लेकिन खाना सच में बहुत टेस्टी है हवेली का। आओ कभी हवेली पे संडी, बोल दो सबको आओ कभी हवेली पे। रोहित बोल दो आओ कभी हवेली पे, आओ कभी हवेली पे। तुषार आओ कभी हवेली पे। तुषार तो ऐसे गुस्से से बोल रहा कोई आएगा भी नहीं यार, धूप है बट यहाँ चुभ नहीं रही है, थोड़ी ठंडी ठंडी है। ये अच्छा कर रखा है यहाँ पे, खाट भी जा रखी है, मतलब खाट में आराम करो, मस्त हो गया। खाट भी बड़ी ज़्यादा मस्त वाली है यार, ये तो जैसा मैं सोच रहा था वैसी नहीं है इसका, वो देखो कितना मोटा है। ले लो नीतू ने आराम करना स्टार्ट कर दिया, क्या कर रही नीतू? इसलिए यार यहाँ पर खाट है और सबसे मज़ा खाट में आता है, और इतनी स्ट्रॉन्ग है ना, इतनी मतलब हाँ जी ज़्यादा हैवी नहीं है वाली, देख इसका वो मतलब सेट। मैं सोच रही हूँ यहाँ पर 1 घंटे की नैप लेके चले जाए, क्यों नहीं हम सो जाते ना यार। अरे भाई चल 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 यार, तूने फोटो लिए दिखा ना। नहीं तो यहाँ पर आई ये सोच के कि ये मटके में जो है अचार मिल रहा है, बट यहाँ पर देखा तो यहाँ मटका ही मिल रहा है वो खाली। अब चलिए टॉय खरीदने। देखो मैं तो सेम बैग है, हाँ छोटा। हाँ नहीं तो क्या खरीद रही है यार? बच्चों के लिए टॉयज ले रही हूँ, हम लोग लेकर तो आए नहीं थे, बस कपड़े लेकर आए थे क्योंकि ऐसा लगा कि हम फ्लाइट से ट्रैवल करेंगे, लेकिन हम ले लेते हैं कुछ। चलो गुच्ची गुच्ची है हमारा, ये तो गुच्ची के लिए बनता है, गुच्ची का लगेगा छोटा सा कोई टॉय आया है। हाँ जी दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ और रास्ते में रुकवा के हमने एक वो बास्केट भी ली, किसकी? मिठाई की। मिठाई की बास्केट भी ली हमने, हम लोग आ गए अभी, मिठाई भी ली क्योंकि मुझे पता है कृतिका जी की मम्मा भी होंगी इधर, तो दोनों के लिए ली है। ओके भाई मजा आ गया, मैंने नैप भी ले ली वैसे खाना खाने के बाद, तो मुझे ब्लॉग में देखा ही नहीं होगा लोगों ने। कोल्ड कॉफी भी मुझे एक बार भी नैप नहीं आई। हाँ मुझे तो अभी भी नैप आ रही है, तुम डका रही है। अरे भाई साहब ये अरमान जी का घर होगा, अरमान जी का घर होगा यहाँ पे। ये भाई साहब लखन भाई का घर है। कैसे हो? तो यहाँ पे मैं रेंट पे रहता हूँ। मेरी जान भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे। सब मजे में सब पे मैं पूछूंगा, ठीक है याद रखना। आपका ये बताओ आगे, भाई आज दिल बहुत खुश है, मैं ठीक है, बस मैं निकल ही रहा था, मेरी गाड़ी नीचे खड़ी है, जा रहे हो एयरपोर्ट से किसी को लेने जा रहा था 2 मिनट। अच्छा माना चलो ले आते, ठीक है काम करते हैं, हमको ऊपर छोड़ आते फिर हम जाओ। गाड़ी ना वहाँ खड़ी कर लो, दोनों निकल जाओ, हम चले जाएंगे ऊपर। अरे क्या
360 और भाई कमेंट करिए बताना मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूँ। तुम चले जाओ एयरपोर्ट पे ना, बस अभी आ गए। शर्ट अपनी पहन के नहीं आया था, रास्ते में बिल्कुल हवा अच्छी चलती है लेकिन यहाँ पर मजा आता है। जैसे हमारे मून कोर्ट में चलती थी ना जब हम रहते थे और भी ऐसे चलती थी क्योंकि क्रॉसिंग था। जाओ हेलो भैया कैसे हो। हेलो हेलो हाय आपका बर्थडे हाय जैन किसका बर्थडे हैप्पी बर्थडे अरे बढ़िया ना इसलिए आपको सारे देखो कि दूर से विश करने आया। अच्छा बर्थडे में क्लैपिंग कैसे करोगे, केक कट करोगे तो क्लैपिंग कैसे करोगे? जैद को आती क्लैपिंग करनी? हाँ जैद को आती क्लैपिंग करनी, जैद कर दो क्लैपिंग। कहाँ करता है जैद तो क्लैपिंग करता है? कर दो क्लैपिंग। नहीं नहीं जैद क्लैपिंग करता है, क्लैपिंग करो। अच्छा मेरी धमकी से डर गए आपकी धमकी से डर के आगे तुरंत रात भर नींद नहीं आई धमकी के बारे में। दीदी बहुत वेट कम कर लिया है भैया, बीमारी इतनी क्या करूं? मजाक करो बीमारी से ना, पतली थी ना पहले एक अब दो हो गई, गॉल ब्लैडर में दो है। अरे रे हाँ, तो इसका फिर डॉक्टर ने बोला है कि ना गॉल ब्लैडर रिमूव करेंगे। चल तू जरा मेरे पास, आज मेरे पास ही रहेगा। वो दोनों खाए एक तो गेरा मेरा ये बीमार है डायरिया। अरे कैसा है भाई, सुपरस्टार वाला हेयर कट करा रखा है चीकू? तो और गोला मोला हो गया इसके छोटे के आगे बाल सारे ना। अच्छा और वो कहां है हमारी? अच्छा सोने देते हैं उसको। ओले मनो पानी दे तू। आई लव यू। हां पीछे कर दो। आई लव यू पीछे तो कर दो। कैपिंग कर दो जादू बर्थडे पे। कैपिंग कैसे? मैंने यही बताया आपने ही। कैपिंग कैसे करोगे? हेलो नमस्ते। कैपिंग करके दिखाओ पहले जादू कैपिंग। मेरा फोन बज रहा था आ जाओ। पहली बार देख रहा है ना मुझे। लगे इसको पकड़ो। हेलो अरे अरे आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा दो आ जाओ। अब आप क्यों नहीं आ रहे हो? अरे अरे दीदी आई थोड़ा सा एक सेकंड। हाँ जी आ गई। मम्मी की सबसे ज्यादा सबसे सबके पास आता है आज बीमार है ना। अच्छा अच्छा क्या हो गया? बच्चे बीमार फट पड़ जाते हैं ना। ये वो आ रही ना दांत आ रहे ना इनके। अच्छा ये ना लग जाए। अच्छा इस साइड से छोड़ दो वो खड़ा हो जाएगा। जब ये रेडी हो रहा था ना तभी दीदी ने मुझे फोन कर दिया था। लखन कहाँ पे बड़े? ओ सॉरी कोई बात नहीं। देख पूरी प्रोटेक्शन का ध्यान दिया था कि सर ना मारे। जादू हाई फाइव। क्लैप हाई फाइव कर दो मम्मी। भूल गया सबको। जादू हाई फाइव। जादू क्लैप 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 क्या भी यस क्लैप क्लैप ना भाई अब उसका खेलने का टाइम है। तो भाई अभी एक बहुत ही जबरदस्त सरप्राइज हमारी बहन के लिए, देखते दिल खुश हो जाएगा और बिल्कुल भी डरना नहीं है ठीक है। ले आँख खोलो, ले आँख खोल देता। ये देख इसके पास इसके पास इसके बाद बहुत प्यारा सा पप्पी है। सही है ना है? मतलब बोलने वाला है ये? बोलने वाले चार है मेरे पास। नाम भी इनका कुछ? इसका नाम गंगा। गंगा ये मतलब लड़की है? लड़की है। मतलब क्या क्या बोलते? तोती तोती है। इसका नाम गंगा है। एक राम नीचे है। भैया कुछ सिखाओ तो इसको बोलना। अब सीख जाएगा टाइम के साथ। अभी जैसे बच्चे नहीं होते जबरदस्ती मत करो ना, ये साथ रहेंगे सीख जाएंगे। बिठाना पापा। ओह गया हो गया। अभी बच्चा ना भूलेगा नहीं। अभी बच्चा। अरे मान भाई
हर बार एक नया सरप्राइज। नहीं 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 हां हां नहीं 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 मैं सॉरी सॉरी प्लीज प्लीज मुझे बहुत डर लगता है। कंधे पे लगा क्या? कंधे पे, कंधे पे। हां कार से थोड़ी देर करता ओ हवा सी अच्छी करता है। हां सीधा खड़ा हो तो ऊपर आ जाएगा। लगन सीधा खड़ा हो सही है। सीधा होते ही कान छेद देगा भाई। गर्दन सीधी कर। अच्छा नहीं ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं इधर उसकी चोंच भी प्यानी सी लग रही है ना। तो एक टांग नीचे रख। एक राज की बात बताता हूँ तुम्हें। मैं ना खाना खा के आ गया नीचे। अरे पागल है क्या? नीचे पहले कैमरा अंदर ले लो नीचे जाए। नहीं नहीं पकड़ रखा है मैंने। कैसी बात कर रहा है ये देख। तुम खाना खा लिया तुमने? हिल रहे थे मेरे हाथ। मैंने भी खा लिया था। सुन मैंने भी खा लिया। अरे तो ये राज किसी को पता नहीं लग रहा थी। मेरे घर में एक दोस्त था पता है क्या, उसकी एक खासियत थी। वो पता क्या करता था? उसने पहले मेरे को एक बात बताई कि भाई विष्ट भाई ना मेरी ना शादी हो। ठीक है ये बात तो किसी को बताई होगा कसम से है। ठीक है मैंने कहा ठीक है भाई, लेकिन क्या हुआ? कह रहा भाई तेरे को मेरी कसम है किसी को मत बताइए। मैंने कहा चल ठीक है भाई मैं नहीं बता रहा। ठीक है अगले दिन मेरे को दूसरे दोस्त का फ़ोन आया। कह रहा भाई विष्ट भाई तेरे को एक राज की बात बताऊँ, किसी को मत बताइए भाई तुम। उसने ना शादी कर ली है। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, चलो मैं किसी को नहीं बताऊँ। उसी दिन उसी रात को फिर एक तीसरे का फ़ोन आया। वो कह रहा कि भाई उसने ना शादी कर ली और मना कर रहा है किसी को भी मत बताइए, मैं सिर्फ तेरे को बता रहा हूँ किसी को बताइए। मैंने कहा साला ऐसा कौन सा राज है जो सबको पता है और वही और क्या कहते हैं उसे और वही फैला रखा है, होता है ना? तो ऐसे ही वाला राज है कि भाई मैंने खाना खा लिया है तो प्लीज़ किसी को ना बताए। वो कर ले भाई जल्दी कर ले भाई। मैं तो आज इसका यहाँ बैठ के टाइम पास में मेकअप का सामान देख रहा हूँ और ये मैंने देखा मेरे को अभी पता लगा क्या था भाई ये जेल और पता नहीं क्यों है बट इसमें ना कोई स्मेल है ना कोई फ्रेगनेंस है कोई खुशबू वगैरह कुछ नहीं है। अजीब सा है पता नहीं कैसे कैसे प्रोडक्ट है। अनीतू बोल रही है कि मैं भी अपने फेस पर लगाऊं। क्या लगाऊं? क्या बोलते हैं उसको? फाउंडेशन। हाँ नहीं नहीं इसने कुछ और वर्ड बोला था। क्या वर्ड बोला तूने? मैंने कहा थोड़ा सा फाउंडेशन लगा लो। तुषार तू भी लगा लो थोड़ा सा पाउडर। लगाएगा? हाँ भाई इसके लगा दो तुषार के और रोहित के भी। ठीक है भाई रोहित ने अपनी शादी में तो लगाया था। नहीं लगाया तूने? लगाया था ना एक शादी तो एक बार बोल रहा मैं फिर तो अपना बुला रहा था। अच्छा है नहीं तो ऐसे ही हुआ था तो उसकी शादी थी वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो आज भी कर ले भाई फंक्शन ही तो है। क्या हो गया? रोहित ने जब से हेयर कट कराया ना भाई मुझे दुनिया का सबसे मासूम इंसान रोहित ही लग रहा है। हाँ है भी तू ये बात तो है। अभी वैष्णो व्लॉग देखेगी रुक जा व्लॉग के बाद तेरे को बताऊंगा मैं क्या है। वैष्णो कहेगी मासूम ये। हाँ गाइस मैंने अभी देखा रोहित कितने मजे से बैठा था ऐसे तकिया वके लगा के यहाँ शांति से बैठा हुआ है बहुत देर से। अब नीतू कुछ मेरा कुछ मेकओवर टाइप का करेगी। जल्दी करो भाई मैं चाहती हूँ लगन का भी थोड़ा फाउंडेशन लग जाए। भाई आँख खोल के दर्द होता है। ए नीतू कैसे है देखो दिखता कैसे है? राजा भाई तुम भी उसको बोल दो सही से वीडियो बनाओ। सही से वीडियो कह रही थी उसको फिर वो भूल गया। सो गाइस मैं बिल्कुल रेडी हूं और मैं भी रेडी हूं। एक्चुअली लखन को पता था ब्लैक थीम है मुझे नहीं पता था। मुझे कोई थीम नहीं पता भाई मैं लेके आया हूं मुझे अच्छी लगी बहुत टाइम से पहनी नहीं इसलिए ले आया मैं। अब चल यार चल आ जा सब लोग वेट कर रहे हैं हमारा। वो तो आपने पी रखी है आगे वो तो दिख रहा है। ये दो आइटम मेरे। ये क्या है आइटम का नाम? मंचूरियन। दही को बात नहीं मैंने फीलिंग से बनाया है ना तो मैं देख नहीं रहा क्या बनाऊं क्या बनाता गया। अच्छा मेरे हाथों में जादू है। अच्छा आपने बनाया भी है? छोले कुलचे है। छोले कुलचे अच्छा न्यूट्री कुलचा है वो ठीक है न्यूट्री वाला है। गजब तू भी आ जाते। गाइस मुझे ये कार्टून इतने अच्छा लगता है ना आई मीन सच में हाई फाइव। इनका कितना टफ काम होता है बहुत ज्यादा। वो कितनी स्वेटिंग आ रही होगी अभी है ना आपको पसीने आ रहे होंगे ना देखो अभी वो स्माइल कर। गाइज मुझे लग रहा है आज इनकी जो वीडियो बन रही होगी ना उसे मैं तो सिर्फ और सिर्फ खाने के स्टॉल पे दिखने वाला हूँ। भाई सारी चीज़ें मैंने अब तक जो टेस्ट करी ना एक नंबर यार बहुत अच्छा खाना है।
तुषार भाई तुमसे बड़ा है, तुमसे बड़ा कैसे कोई हो सकता है? यहाँ पर जैद की हर एक पिक्चर लगी है, जब वो बॉर्न हुआ था तब, 1 मंथ का हुआ था तब, 2 मंथ का हुआ था तब, 3 मंथ का, आई एम 12 मंथ ओल्ड। अच्छा ये बीच में है, ऐसे ऐसे लगी हुई है सारी पिक्चर। अगर देखो कान्हा जी भी हमारा जैद बना था। अब आप मुझे कमेंट से बताना कौन से मंथ में ये ज़्यादा क्यूट लग रहा है भाई। कितना दीदी मैं बोल रही हूँ सारे मंथ की पिक्चर जाए तो मैं पूछ रही हूँ सबसे ज्यादा क्यूट आपको किस में लग रहा है बताओ आप। फर्स्ट पिक्चर, फर्स्ट ये वाले में जो पहली बार देखा था मैंने। अच्छा मुझे तो कान्हा वाले में। अच्छा मैं सब में ही अच्छा लग रहा है, सबसे बेस्ट ये अभी इसकी रिसेंट है। ये वाली अभी टैली गई थी ना मैं, ये भैया की तरह लग रहा है ऐसे देख रहे हो। तो इसकी रीसेंट फोटो है। अच्छी लगी वॉल? बहुत। मैं तो सोच रही हूँ वॉल ना घर पे लगवा लूँगा। मन नहीं हाँ, करेगा। देखने का मन नहीं करता। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो वही घर पे लगवाऊंगी, एक वॉल फिर दूसरी वॉल। तो मैंने ना स्टार्टिंग से ना नीतू करके रखा था, ऑन द स्पॉट नहीं बनाया, ये मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ था। अच्छा जैसे जैसे हर मंथ का होता मैं बनाती थी। मैम आपका पर्स। ओह सॉरी मैम, आपने उल्टा ले लिया, आप सीधा ले लीजिए। थैंक यू। खाए मोमोज का है? हेलो चैम, तो भाई सभी हमें देखते रहे चीज़ों में, हर चीज़ देखते तो बड़ी खुशी हुई एकदम। यही है तारा रम पम पम। बस होगी जल्दी से खुशियाँ मेरे घर में आए हो भाई, दो चार साल में। तुम यार फिर कमेंट में लोग पीछे पड़ जाते हैं। जरूरी है ना, जरूरी है लखन भाई यार सर जरूरी। अभी तो है, अभी तो खिलाएंगे ना। एक आधा बच्चा कूद रहा है आज, भैया बहुत खेले भी आज, भैया बहुत खेले। एक घंटा है ना। अच्छा तुमने ये नहीं देखा नीतू, सारा स्टार्टिंग यहीं पे है। हाँ। एक सोसाइटी में ना सारा खत्म हो जाता है ब्लॉग भाई। स्टार्टर तो बहुत अच्छे थे, अब हम लोग वेट कर रहे हैं, सारे गेस्ट ऑलमोस्ट आ चुके हैं। मैं दोबारा से खाने पे लगने वाला हूँ, आपको पता है भूख लग रही है, लेकिन खाना भी बहुत अच्छा है। नीतू का कुछ फोटोशूट रोहित भाव ने कर लिया, सैंडी भाई ने कर लिया। भाई उन लोगों को बोल दो वो भी सब खाना खा लेंगे, मैं निकलते हैं फिर हम थोड़ी देर में। अब बस भाई थम भी जा, एक घंटा हो लिया, पूरे पूरा मेमोरी कार्ड भर गया होगा वहाँ। हल्क भाई, हल्क भाई, हल्क भाई, हल्क भाई, आपको दिखता कहाँ से? यहाँ से दिखता है आपको? यहाँ से दिखता है आपको? हल्का फ्री, हल्का फीमेल वर्जन है। हल्का फीमेल वर्जन है? तूने मेल फीमेल कहाँ से पता लगा लिया भाई? ओए तूने कहाँ से चेक करा मेल फीमेल? शैतान मास्टर मान जा तू। ये मेरे नीतू के साथ कौन है भाई? ए भाई, ओ भाई मेरी नीतू के साथ क्या कर रहे हो यार? हाँ सॉरी यार, दिस इज नॉट डन यार। भाई आओ मेरे साथ एक फोटो ले। भाई भाई रोहित नहीं था मेरा, देख लो देखो देखियो, देखो कैमरा तो कर दो। क्या हो रहा भाई, सोवा है ना पूरा सोवा? कल छुट्टी है भैया, फिर भाई कुछ सेकंड तो दिखा दो यार, असली वाली, असली वाली तो देख लूँ मैं। तो यहाँ पर हो रही है फोटो जैद के साथ, मैम के और लखन सर के। यार जो भी व्लॉग देख रहे हो ना, एक बार व्लॉग देख के क्लैपिंग कर दो मेरे जैद के लिए। पर कभी मिलते नहीं है, तो यहाँ पे मिलने का मौका मिला है सबको, सब लोग मिले। जब बच्चे हो गए तब भी आए थे उसे मैं नहीं दूंगा।
विदाउट वेस्टिंग टाइम पहले हम लोग डांस एंजॉय कर लेते हैं क्योंकि ये सोसाइटी है यहाँ पे बंद हो जाएगा। अरे बहना बर्थडे आओ ना यार प्लीज यार मैं आ जाऊंगा ना फिर लेकर आई हूँ। फोटो टाइम गाइस। हां जी आंटी कुछ सॉरी देरी देरी लग पास में खड़े भाई करिए नीतू ठीक है मैं थोड़ा मोटी हो जाएगी। ये सब नहीं भाई ये सब नहीं मेरे को स्पेशल डिमांड की गई है काम बेईमानी कर रहे हो यार दीदी मुझे थोड़ा सा खिलाना खिलाती हूं ठीक है। अगर सच्ची बता रहा हूं आपने इसको कम खिलाया ना तो मेरे साथ चला जाएगी तो भाई हैप्पी बर्थडे मासी को थैंक यू क्रीम खिलाने में फ्रूट खिला मैंने फ्रूट खिलाया उसको सस्ते में निपटा देने दूंगा उसको खिलाओ ना भाई मैंने फ्रूट खिलाया यार ये होती है ना बात ये होती है ना बात खूब खाओ भाई अच्छा थैंक यू जी ये कहाँ होता है हाँ जी भैया भाई गाइस खाना स्टार्ट हो गया खा के बस हम निकलेंगे अब यहाँ से आओ पार्टी चल रही है नीतू जा रही है चेंज करने के लिए क्या हो गया नीतू हमें निकलना है टाइम क्या हो रहा है 5-6 घंटे लग जाएंगे 10 बज गए ऑलमोस्ट बट अब मैं चेंज करूंगी तो मेकअप रिमूव करूंगी सो दैट मैं सोती हुई जाऊँ नींद डिस्टर्ब ना हो 5 घंटे सो जाओ घर जाके 3 घंटे सो जाऊंगी नीतू ने बोला है 10 मिनट में वो तैयार हो जाएगी 9:44 हो रहा है नीतू कितने मिनट में जल्दी बता 10 मिनट्स ना पक्का टाइम देख लो भाई 9:44 हाँ 9:44 है ले चेंज करो फटाफट तेरे पे 10 मिनट हाँ तो मतलब मेकअप उतारने का काउंट नहीं करे नहीं नहीं सब काउंट कर ले ठीक है आई जस्ट नीड 10 मिनट्स अच्छा काफी नाइट ड्रेस लेकर आती यार चलो मेरे कपड़े किस हालत में रखे गए हैं यही इसीलिए कहते हैं जब कपड़े रखते हैं ना उस टाइम ही सीधे करके रखो तुमने एक बड़ा बहुत बड़ा टास्क दे दिया है नाउ आई नीड हेयर बैंड क्योंकि बाल मुझे ना ओपन अच्छे नहीं लगते उनको भी भाई देखो 9:46 हो रहे हैं ठीक है अब देखते नहीं तो आ पाती है नहीं आ पाती 2 मिनट तो उसके हो चुके हैं अब बाकी देखते हैं 10 मिनट बोले तो 10 मिनट तो 9:48 तेरे हो चुके हैं 4 मिनट कह सही बोल रहा हूँ ना 4 मिनट कोई बात नहीं 4 मिनट हो चुके हैं तू कर वो लोग बाग बता देंगे काउंट करके भाई देख लो टाइम हो रहा है अभी 9:50 4 मिनट है नीतू के पास अब नीतू 4 मिनट है तेरे पास मेरे फेस वॉश जल्दी 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 देखते हैं तो टाइम की कितनी पंचुअल है आज रगड़ रगड़ दूसरी सफेदी निर्मा से आए रेडी yes, ओ भाई 9:52 2 मिनट बचे हैं अभी भी चलो चलो भाई लड़की समय पे मेकअप नहीं उतार सकती उतारा है
दस मिनट बोले थे उससे पहले, उसमें चेंज भी कराया तूने, बहुत बढ़िया, उम्दा। नहीं मैंने एक्चुअली क्या था ना, कितना भी हो जाए मैं बहुत जल्दी हो जाती हूँ। मुंबई से मिथुन सर का ग्रैंड सैल्यूट आया दिल्ली। भाई तुम लोगों को ना लोग बुलाना बंद करेंगे, ये देखो वो कहाँ है, वो एक भाई मेरे बोल रहे हैं। वेल डन वेल डन, बहुत बढ़िया, चलो अब है बारी घर चलने की, सोते हुए जाएंगे। बोतल कितने लेके आए यार ये लोग, भाई गलत बात है, इन्हें बुलाना बंद करेंगे हम। सही बात, पार्टी में से और कुछ खाने का तो नहीं चुरा लिया तुषार? खाने का तो नहीं चुरा लिया कुछ? नहीं नहीं। तो बस चलते हैं अब घर, अभी बज रहे हैं घड़ी में 10, और सच बता रही हूँ मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, बहुत तेज। वो लोग समझ गए होंगे कैसे तेरा है ना, जल्दी सो जाती है। चलो भैया सोते, देखो यहाँ से 5 घंटे सोते हुए जाएंगे, घर में जाके 2 घंटा सोने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सुबह जल्दी मुझे 4-5 बजे उठना होता है, तो मेरी नींद पूरी हो जाएगी। तुम कितने बजे उठोगे? मैं सुबह उठ जाऊंगा बहुत टाइम से, 9 बजे तक। What? फ्रेंड्स रात के बज रहे 2, हम लोग घर पहुंच चुके हैं। कितनी शांति घर पे। दोस्तों व्लॉग को लाइक कर देना अच्छा लगा हो तो। कल मिलेंगे आपसे नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।